श्री कन्हैया लाल की जय श्री स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की दिल रु ए रोशन श्री कृष्ण कन्हैया लाल की उन्नीसवा प्रकरण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के यौवन उनकी पूर्णता उसमें अपार जोश होता है तो उस जोश का और उसके साथ में उनका मुखार और मुखार के साथ साथ में बीड़ा और उस समय के कैसा दिखाई देता है ऐसी छवि उनका विवरण इस प्रकरण के अंतर्गत दिया गया है फेर फेर पट खोले हुकुमा निशवत जान रोहन कहते हैं कि अक्षरात धामधनी का आदेश है ना वो बार बार पट को खोल देता है क्यों ब्रह्मात्माओं को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंगना समझ करके उनके हृदय में तो किसी प्रकार का पट नहीं होना चाहिए ऐसा सोच करके उस पट को हटा देता है अब ये भी कैसा होता है कि ये पट बार बार आता है फिर हटाते रहते हैं तो जैसे हटा करके पूरा हो जाए फिर तो कोई बात नहीं है किंतु तो बार बार आवरण ढकने के लिए प्रयत्न करता रहता है हका मुख अंग ईश्क के ले देखिए अरसा अंग जब पट दूर हो जाएगा तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखार बिंद का प्यार तो इसको लेकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पूरे स्वरूप के दर्शन करो ऐसा करके कह रहे हैं हक वर्णन जिमी सुपने हुकुमे कया ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वर्णन इस भूमि में किया है तो अक्षरा थे के आदेश से ही फिर भी यहाँ के अनुरूप थोड़ा कहा गया अब यह ज्यादा नहीं बताया जा सकता हक ईश्क एक तरंग से रू अनिक नश्य के कोय वैसे देखा जाए तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम का तरंग वो तो चारों तरफ फैले हुए हैं तो उनमें से एक छोटे से तरंग में भी ये आत्मा उसमें वो जाती है ना डुबकी मारती है तो तरंग तो इधर से उधर ले जाती है ना तो इस तरह से आत्मा तो वहीं इधर उधर घूमेगी उससे बाहर निकल ही नहीं सकती है जैसे समुद्र में समुद्र के तरंगों के चपेट में कोई आ जाए तो फिर वो बाहर नहीं निकलता तो उसी में ही तो गोथा खाता रहता है तो ये आत्मा भी तो उसमें वो झुलती रहती है उसे मस्त रहती है कहने का तात्पर्य यह है थोड़ा सा भी उसको मिले तो उसमें वो मस्त रह जाती है सुंदर मुख मासुख का और अंग सभी सुंदर है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मुखारविंद बड़ा सुंदर है तो इसके साथ साथ उनके अंग प्रत्यंग सभी सुंदर है सो so, क्यों छूटे आशिक से जब चुभे हैडे अंदर ऐसा स्वरूप पूरे अंग प्रत्यंग जब ब्रह्मात्माओं के हृदय में अंकित हो जाते हैं तो फिर वो उनसे छूटते नहीं हैं क्यों कहूँ मुख की सलूकी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखमंडल की सुंदरता का क्या वर्णन करें और क्यों कहूँ सुंदरता तो सलू की तो और सुंदरता तो ये एक ऐसी बातें हैं बनावट के हिसाब से तो उसमें उन वो वो ये शलू की ऐसा कहा वो भी सुंदरता ही है उसके क्या बात बताएं ए आशिक जाने मासिक की जिन घटा लगे ए गाय अनुरागिणी आत्मा ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को समझ सकती है कि जिनके हृदय में उनके बेरह की पीड़ा है उस वो चोट पहुंची हुई है वही इस बात को समझ सकती है और वही दर्शन के लिए लालायित होती है बाकी हर कोई नहीं हो पाता मुख का सलू की क्यों कहूँ कछु जाने रूह के नयन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखमंडल की, की सुंदरता को कैसे बताए तो ब्रह्मात्माएं थोड़ा बहुत जानती है तो कभी उनके नैनों को जानती है क्योंकि उनके नेत्रों से कभी कभी उनके उनको इशारे का ख्याल होता है ई सुख सोई जान ही जा को हक करे शामी सैन तो ब्रह्मात्मा वही ब्रह्मात्मा इस सुख को समझ सकती है जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो ब्रह्मात्मा देख रही है तो वो देख करके उन आँखों से कुछ इशारे करते हैं संकेत करते हैं आँखों से कुछ समझाना चाहते हैं तो वो ब्रह्मात्मा जो इस बात को समझ सकती वही इस रहस्य को जान सकती सुख पाइए देखे हरवटी मुख कलाल लाल अधुर तो अब मुखमंडल में क्या है हरवटी ये चिबुक नीचे का भाग है और फिर ये गहराई है, फिर अदरुष्ट है फिर ऊपर का औशत है अंदर मुखार बिंद तो, अंदर दंतावली ज्युहा वगैरह तो ये सब है फिर नाक वगैरह तो ये ना एक एक तो उसमें क्या है कि बड़े सुंदर है दंत जुआ बीच तंबोला और दांतों के और जेवा के बीच में तंबुल तो तांबुल का बीड़ा लिया हुआ है बोलत मीठी मधुरा उस समय वो बोलते हैं तो थोड़े से थोड़ा सा स्वर अलग से निकलता है तो अलग प्रकार का माधुर्य उसमें दिखाई देता है मुख मुदे मुदे अधूरा था, तो मुख को अब वो तांबुल को पकड़ने के लिए मुख को तो बंद करके फिर बोलते हैं एक तरफ का ही वो ओठ चलता हो ऐसा लगता है वाणी प्रेम रसाल तो वाणी बड़ी प्रेम रस्य परिपूर्ण होती है आशिक को छवि चुभ रही अनुरागणी आत्मा के हृदय में तो ये छवि अंकित हो जाती है जानो हाइडे निश दिन भाल तो ये छवि अंकित हो जाएगी तो राह दिन उनको ये इसके दर्शन के लिए तो ये बात हृदय में चुभती रहती है कब दर्शन होंगे दोबारा कब दर्शन होंगे वही चाहना बनी रहती है शहूर की का अंग रंग कई तरंग लाल उज्ज्वल जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद को और मुखारविंद में मुखमंडल के दर्शन करते हैं तो उनके अलग अलग, अलग अंग उस, उसमें, अब क्या है कई तरंग लाल उज्ज्वल तो उज्ज्वल मुखारविंद है और उसमें लालिमा भी है तो उसकी तरंगें दिखाई देगी दे तो गौर सुख ये गौर वर्ण को देख करके और उसके सुंदरता को देख करके शोभा क्यों कहूँ बिना मिशल तो अब उनके लिए तो उदाहरण ही दिया नहीं जा सकता है तो ऐसी शोभा को क्या बताएं कैसे बताएं क्योंकि दूसरा ऐसा कुछ हो तो उदाहरण दिया जा सके ना तो ये ऐसी सुंदर शोभा है तो उसका उदाहरण भी दिया नहीं जा सकता तो उसको बताएं कैसे हक थे बोले वचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने मुखार विंद से वचन जब बोलते हैं स्वर मीठा था मधुर स्वर निकलता है सो सुसुनता रूहों को दिल उपजता लज्जता वो बातों को सुन करके ब्रह्मात्माओं को परमधाम का स्वाद प्राप्त होता है यदि नश्वर शरीर धारण करते हुए भी तो ब्रह्मात्मा इतना इतनी तल्लीन हो सकती हो अक्षरातीत के प्रति और उनकी बातों को सुने तो उसको अपार सुख प्राप्त होगा परमधाम का जैसा सुख होगा वो दुनिया में ऐसा सुख नहीं मिलेगा हक़ का स्वर कैसा हो ऐसी और कैसी हो ऐसी मुखवान तो अनुरागिणी आत्मा के हृदय में क्या वो बना रहा था धाम धामधनी के मुखारविंद का स्वर कैसा होगा और उनके मुखार की मधुर वाणी कैसी होगी ये जानना चाहती सुनना चाहती सुख बात है क्यों कहूँ रचना तो ये रचना से उनसे प्राप्त होने वाले सुख की बात क्या करें चाहे दिल सुनने शुभाना तो ये दिल है तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए हमेशा लालायित रहता है हने क मरूरत हो तरुओ सुख अपार जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने ब्रह्मात्माओं के प्रति दृष्टिपात करते हैं तो जरा सतीर्थी दृष्टि करके दृष्टिपात करते हैं हो तो रुओं सुख अपार तो उस समय ब्रह्मात्मा को अपार सुख प्राप्त होता है तो बात कहे सुख कके सो क्यों कहूँ सुख सुमार तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्राप्त होने वाले सुखों की बात तभी कही जा सकती है सो so, क्यों कहो सुख सुमार तो उन उनका कोई पारावार हो ना सुमार हो तो ही उसका कोई पारावार ही नहीं है इसलिए उसको बताया भी नहीं जा सकता है ऐसा कहना चाह रहा है एक रोम रोम का अंग के सब सुख के अंबार तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के एक एक रोम उससे भी सुखी सुख टपकता है सुखों का अंबार है खजाना है पूरा सुखों का जिसको उसको क्या बोलेंगे बहुत बहुत बड़ी राशि है सुख की तो स्वरूप नख शिकल हो तो ऐसे स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नख से लेकर के सिखा पर्यंत सारे अंगों का उसमें विचार करना हो तो रोहे कहा करे दिल विचार तो ये ब्रह्मात्मा अपने दिल में क्या विचार कर पाएगी पूरा तो विचार भी नहीं हो सकता है तो जिसको देखा और उसी में मस्त हो जाते हैं ज्यों रोम सुपन के अंग को त्यों रोम न अरस अंग पर तो जैसे स्वप्न का शरीर है उनमें रोम होता है तो परमधाम के शरीर में ऐसे रोम नहीं होते सब अंग इश्क वास्ते रोम रोम कहे यों कर तो उसमें पूरे अंग में प्रेम भरा हुआ होता है ये समझाने के लिए रोम रोम की बात कही गई है वास्तव में ऐसे रोम नहीं होते हैं। तो उसके लिए कहना पड़ेगा कोस कोस में ऐसा वो भी कोस भी ऐसे अलग अलग नहीं होंगे लेकिन दुनिया के हिसाब से ऐसे बताना पड़ता है तो पूरे पूरे शरीर में प्रेम छाया हुआ है तो उसके लिए क्या बताया जाए तो दुनिया में तो यही शब्द आए इसलिए कहते हैं वैसे परमधाम में वो रोम नहीं होते अरस पशु या जानवर रोम हो तिना परम परमधाम में पशु या पक्ष पशु पक्षी उनके रोम होते हैं उनके अंगों में रोम न रूहों अंग पर रूहो अंग जान अरस अनंग परमात्माओं के अंगों में तो रोम नहीं होते हैं। और उनका अंग तो ऐसा समझना जैसे कोई रत्न हो रत्न के हो और आगे कहेंगे रत्न भी वैसे नहीं है वो तो अलग ही वस्तु है तो जैसे ये रत्न में कहीं खड्डे उड्डे नहीं होंगे सारा एक जैसा होता है ना ऐसे ब्रह्मात्माओं का शरीर इस प्रकार का बड़ा सुंदर होता है जबे पैदा जीमिया ऐसे यों अरस में पैदा न होता जैसे भूमि में आ, अलग अलग स्थानों में इस दुनिया में तो अलग अलग स्थानों से रत्न पैदा होते हैं ना तो ऐसे परमधाम में कहीं से रत्न पैदा होते हो ऐसा नहीं है वो कहाँ से है और राज्य के अंगों से है ये कहते हैं एक खूबी हका की ये तो सब राज्य के स्वरूप के प्रकाश की खूबी है विशेषता है सो लिए खड़ी सदा ज्योता वो हमेशा उसमें प्रकाश ही होता है चिन्मय प्रकाश होता है राज्य के स्वरूप में तो उसकी ही ये विशेषता है उसी से रत्न वगैरह लगते हैं या को नंग निमुना ना दीजिए और अशुरूहें वाये दत्त तो परमधाम की आत्माएं वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अद्वैत स्वरूप है उनके अंग से उनके अंग से भिन्न नहीं है इसलिए उनके लिए किसी रत्न का उपमा देना भी ठीक नहीं है तो अब क्यों दिया जा रहा है इन्हें मिसाल न कोई ला गई इनके लिए दूसरा कोई उदाहरण लगता ही नहीं है इनके लिए जाके हका आदि जात अनिस्वत जिनका जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग ही हैं तो उनसे अलग है ही नहीं इसलिए उनके लिए तो रत्न का उदाहरण देना वो भी ठीक नहीं होता है उनके लिए ऐसा कोई उदाहरण लगता ही नहीं है जो देव निमुना अर सका तो रू लगत न कोई बात यदि परमधाम के किसी वो किसी भी वस्तु का उदाहरण देते हैं तो भी ब्रह्मात्माओं को उनके लिए ब्रह्मात्माओं के समान वो नहीं हो सकते क्योंकि ब्रह्मात्माओं के अंग से वो सब है परमधाम अंगहादि का हादि अंग का जात देखो ब्रह्मात्माएँ तो श्री श्यामा जी के अंग स्वरूप है और श्री श्यामा जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग स्वरूप है तो उनको परमधाम के दूसरे दृश्यों का उदाहरण नहीं दिया जा सकता उनको तो श्यामा जी और राज्य का ही उदाहरण दिया जा सकता है तो उधर से संबंधित है का जो ने है, अब वो बता दिया कि कैसे समझना चाहिए तो अब तो उनके स्वरूप की सुंदरता की बात कर रहे हैं तीर्था ने को मुखशत सोडार मार डारत मुतलक तो तिरछी दृष्टि करके स्वरराज्य जब मुस्कुराते हैं तो ब्रह्मात्मा तो उनके प्रेम में उतप्रोत हो जाती है तो मानो वो वो घायल हो गई हो उनको दूसरा कुछ देखता ही नहीं है बस उसी में वो मस्त हो जाएंगे जो कदे सनमुख होए यू रूहों से तो क्यों जीवे रुवासिक यदि यही स्वरूप ब्रह्मात्मा को हमेशा देखने लग रहा है लग जाए सम्मुख में तो क्यों जीवे रुआ सिक्के तो अनुरागिणी आत्मा तो कैसे वो, वो उसमें जी पाएगी तो ये तो ये दुनिया के लिए कह रहे हैं तो शरीर कैसे धारण कर पाएगी ऐसे स्वरूप के दर्शन कर लिया तो परमधाम की आत्मा है वो भी प्रेम में ओतप्रोत तो हो जाती है तो फिर ये आत्मा तो कैसे जी पाएगी उसको तो ये शरीर धारण ही नहीं कर पाएगी छोड़ करके अपने मूल में जागृत हो जाएगी ये कहना चाह रहे हैं आशिकाट के सब अंगों देख देख रूप शलू का अनुरागिणी आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप की सुंदरता देख कर करके जिन जिन अंगों को देखती है बस उसी में उनकी दृष्टि स्थिर हो जाती है फिर अक्षराते धनी धाम धनी चाहते हैं फिर दूसरा अंग दिखाते हैं बाकी जो देखा उसी में वो मस्त हो जाएगी ए नेक अंग के सुख में रु हो जाता टूक टूक किसी एक अंग के छोटे से एक अंग के सुख में ही तो ब्रह्मात्मा तो उसी में टूक टूक हो जाती है तो उसी से ओत प्रोत हो जाती है उसी प्रेम में मस्त हो जाती है सब अंग देखे रस भरे प्रेम के सुख पूर्ण सारे अंग ये से परिपूर्ण है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ऐसे ही दिखते हैं प्रेम के सुख पूर्ण वो प्रेम सुख से पूर्ण है प्रेमी प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है रूह सोई जाने जो देखा ही ए पीवत रस मोह में न तो जो इस इन दृश्यों को देख सकती वही आत्मा इस रहस्य को समझ सकती है तो ब्रह्मात्मा तो इसे रस को पीती रहती है इसी प्रेम रस को और मस्त रहती है गौर गाल मुख उज्ज्वल है तो अक्षराती अक्षराधी धामधनी का मुखार बिंद बड़ा उज्ज्वल है गाल है बड़े गौर है माय गहरी लाल कले और मुखार बिंद में भी अदरुष्ट और उसमें भी वो गहरी लालक मतलब ये केवल उसमें नहीं पूरे मुखमंडल में लालिमा है तो कहीं अब ओष्ट में गहरी होगी गाल में थोड़ी गहरी होगी बाकी मूल में दूसरी जगह पर थोड़ा कम इस तरह से न बड़ी सुंदर होगी ये जुवा सुख शोभा क्यों कहे हक अंग अरस अंग हक के तो ये जुहा तो पूर्ण ब्रह्म परम परमात्मा के परमधाम के स्वरूप के अंगों का वर्णन कैसे कर पाएगी उस सुख को क्या बता पाएगी बताई नहीं सकती है रू आशिक है, जिना अंग अटकी अनुरागणी आत्मा अक्षराती धामधनी के स्वरूप को देखते हुए जिन अंगों में अटक जाती है छोटा तनाई क्यों कर उससे वो हट नहीं सकती तो उसमें वो देखते देखते वो उसमें खो जाती है ये कहने का तात्पर्य एक किसी बात बातों आशिकसों अंग को जुदे ना होए किसी भी प्रकार से कितना भी प्रयत्न करें ब्रह्मात्मा किसी भी प्रकार से प्रयत्न करें तो भी जो अंग देख रही है तो उससे वो छूटता नहीं है जब अक्षराते चाहते हैं तभी दूसरा अंग दिखा देते हैं फिर उसको दुख दूसरा दिखाई देता है ये कहना चाहते हैं जेते अंग मशुक के रूह आशिक रहे तिन माहे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जो भी अंग हैं जितने अंग हैं तो ब्रह्मात्मा एक एक करके उसी में खोई हुई रहती है रूह आशिक और का, कहो ना के अनुरागिणी आत्मा के दृष्टि दूसरे स्थान पर तो कहीं टिकती नहीं है उसको कहीं भी कुछ भी दृश्य देखें दुनिया में अच्छा से अच्छा देखें तो भी उससे उसको संतोष नहीं होता है अपने अंग में भी ना ही वो अपने अंग में भी उसको संतोष नहीं होगा वो तो हमेशा राज्य के ही अंगों का दर्शन करना चाहती है तो ये प्रेम है तभी इनको अनुरागिणी आत्मा कहा है तो ऐसे अक्षराति धामदनी का सुंदर स्वरूप है खास करके मुखारविंद उसकी बात कर रहे हैं अभी के प्रसंग को यही रखते हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अपने अंग में भी ना है जीते अंग मासुक, जी मासुक के रूहा आशिक रहे हे तीन माहे रुआ आशिका और कहो ना टीके अपने अंग में भी ना है अपने अंग में भी ना है